नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक नाउ इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज के टेक न्यूज़ वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर गरीब को, जितनी भी गरीब लेडीज़ हैं, महिलाएँ हैं, उनके खाते में 3 महीने तक 500 रुपये की आर्थिक सहायता देने की बात कही थी और फ्रेंड्स वो पैसे आ भी रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे जो गरीब महिलाएं हैं उनके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, उनकी बहुत शिकायत आ रही है कि वो पैसा क्यों नहीं आ रहा है, तो वो पैसा कैसे आएगा, ये सारी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोस में बने रहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की टेक न्यूज़ वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, सरकार जो लिस्ट बनी हुई है सरकार के पास जितने भी गरीब लोगों की, उनके सबके खाते में पैसा डाल दिया गया है, लेकिन कुछ जो कस्टमर हैं उनके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वो बार बार बैंक जाते हैं, परेशान होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज के जो महामारी चल रही है, गवर्नमेंट कह रही है, सरकार कह रही है कि आप लोग अपने घर से बाहर बेफिजूल में बाहर मत निकलिए, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। वो बार बार अपने 500 रुपये के लिए बार बार बैंक जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, वहाँ से बैंक वाले उनको मना कर देते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया। अब देखिए, हम आपको बताएंगे कि वो पैसा क्यों नहीं आ रहा। देखिए, पैसा दो कारणों की वजह से नहीं आ सकता है। देखिए, या तो आपका अकाउंट बंद हो गया होगा या फिर ऊपर से जो अकाउंट है वो कुछ ना कुछ आपके अकाउंट में प्रॉब्लम आ गई होगी। देखिए, अगर ऊपर से कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो उसके लिए तो देखिए अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको वेट करना होगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट में अगर बैंक की तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको बता देते हैं कि आपको करना क्या होगा। देखिए, आपको सबसे पहले ना जो आपका अकाउंट है वो आपको ये पता करना है बैंक में जाके कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव है, कहीं डीएक्टिवेट नहीं हो गया हो, यानी कि अगर आपका खाता है वो चालू होना चाहिए, कहीं बंद नहीं हो गया हो। अगर आपका अकाउंट बंद हो गया होगा तो उसमें कोई पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए होता क्या है, क्योंकि ये गरीब लोगों के खाते होते हैं तो वो काफ़ी टाइम से अपने अकाउंट को यूज़ नहीं करते हैं। जब भी कोई योजना आती है तभी पैसे आते हैं, तभी खाता वो यूज़ होता है। तो आपको करना क्या है, देखिए, खाता स्टार्ट कराने के लिए, चालू कराने के लिए, तो आपको सबसे पहले अपने बैंक पासबुक, एक आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, वो आपको अपनी बैंक शाखा में लेके जाना है, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट हो, ठीक है, वहाँ पे आप उसको ले जाइएगा और बैंक में जाके आप बैंक कर्मी से बोलिएगा कि सर हमारा अकाउंट है वो बंद हो गया है, हमें दोबारा से इसमें KYC करानी है जिससे कि हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाए। तो हो सकता है वो आपकी जो KYC है उसको तुरंत कर दें, या फिर अगर टाइम लगेगा तो वो आपको बता देंगे कि आपको कब जाना है, ठीक है। तो आप अपनी जो KYC है उसको एक्टिवेट करा लीजिएगा। जब आपकी KYC एक्टिवेट हो जाएगी तो चलिए कोई बात नहीं, इस महीने अगर आपका पैसा नहीं भी आएगा तो हो सकता है आने वाले 2 महीने में आपके लिए पैसा मिल जाए, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि आपका अकाउंट है वो एक्टिव होना चाहिए, तभी आपके खाते में पैसे आएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, पैसा आ कैसे रहा है, जितने भी हमारी गरीब महिलाएँ हैं, लेडीज़ हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, उनके अकाउंट में ही जो 500 रुपये हैं 3 महीने तक आने वाले हैं। देखिए, वो आएंगे कैसे, मान लीजिए आपका अकाउंट लास्ट में 240 है, मान लीजिए लास्ट का अकाउंट आपके 3 240 है, तो देखिए 0 और 1 240 या 241 है उदाहरण के तौर पर, तो आपका जो पैसा है वो 2 तारीख को आ जाना चाहिए था, अगर 2 को नहीं आया तो 3 को आ जाएगा, यानी कि लास्ट डिजिट के हिसाब से, जैसे मान लीजिए 0 से 1 है तो 2 तारीख को पैसा आएगा, 3 से 4 है लास्ट में तो 3 तारीख को पैसा आएगा, 4 से 5 है तो 4 तारीख को पैसा आएगा, और 5 से 6 है तो 5 तारीख को पैसा, इस तरीके से उन्होंने बना रखा है कोड वर्ड, जिससे क्या है बैंक में ज़्यादा भीड़ ना लगे और बैंक कर्मियों को भी शिकायत ना मिले और दिक्कत ना हो, और हमारे जो माता बहनें हैं उनको भी ज़्यादा दिक्कत ना करना पड़े और वो अपना पैसा निकाल सकें। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके अकाउंट में ये सारा काम कराने के बाद फिर भी अगर पैसे ना आए, इसके अलावा अगर कोई और इशू आ रहा हो तो आप हमसे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे आपकी, क्योंकि इस टाइम जो प्रॉब्लम चल रही है वो बहुत, आप देख सकते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में महामारी चल रही है, क्योंकि इस टाइम में अगर बेचारे किसी गरीब को 500 तो छोड़िए, अगर उसको 100 रुपये भी मिल जाए तो उसके लिए बहुत है, क्योंकि वो गरीब मेहनत करना तो चाहता है लेकिन वो कहीं आ जा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अगर आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और सब्सक्राइब के साथ साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल बटन पर क्लिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारी वीडियो आपके लिए आया करेगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो होगा क्या, आप हमारी वीडियो से वंचित नहीं रह पाएंगे, आपको जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आएगा, तो आप वीडियो को सबसे पहले पा सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।